आज डिस्कस करेंगे थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम के बारे में। जो थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम है वो इंजन को ठंडा रखने में कैसे हेल्प करता है। तो थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम जो इसको नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। थर्मो का मीन्स होता है हीट और सिफोन का मतलब होता है ट्यूबिंग, कि एक तरह की ट्यूबिंग प्रोवाइड करना जिसमें से हमारा जो वाटर ट्रैवल करेगा और वो हीट को ट्रांसफ़र करेगा और उसको ट्रांसफ़र करके कूलिंग प्रोवाइड करना। तो ये थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम का पर्पस था, इसलिए इसको ये नाम दिया गया था। तो थर्मोसिफोन कूलिंग तो ये इंजन को ठंडा रखने के काम आता है, क्योंकि इंजन जो है, इंजन के अंदर हमारी प्रोसेसेस होती हैं, जो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट जो प्रोसेस होती हैं वो होती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो इंजन है ये पूरा इंजन का ब्लॉक है, इसको हम इंजन ब्लॉक बोलते हैं, जिसके अंदर इंजन के सिलेंडर हैं। तो यहाँ पे हमने 4 सिलेंडर इंजन यूज़ किया है, तो 4 सिलेंडर हैं, ये पूरा इंजन का ब्लॉक है। तो जब ये प्रोसेसेस होंगी, फ्यूल का कम्बशन होगा, तो उससे क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण क्या है, जो इसका लुब्रिकेंट है वो भी वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या होता है, कई बार इंजन जाम भी हो सकता है अगर ये ज़्यादा हीट ले जाता है। तो इस हीट को दूर करने के लिए थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया। तो थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम के अंदर क्या किया गया, एक वाटर जैकेट बनाई गई इसके चारों तरफ। ये वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट, तो इसके चारों तरफ एक वाटर जैकेट लगाई गई। तो इसके चारों तरफ होगा ठंडा पानी, जो हमने यहाँ पे दिखाया है, जो ब्लैक के अंदर है ये हमने दिखाया है कोल्ड वाटर, इसको दिखाएंगे इससे, और जो ये रेड के अंदर है ये है हॉट वाटर, हॉट वाटर। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, जब इंजन के अंदर प्रोसेसेस होंगे, कंबशन प्रोसेस होगी और इंजन वर्क करेगा, तो क्या होगा, ये पूरा ब्लो गर्म हो जाएगा और इसके चारों तरफ का जो वाटर है, एक वाटर जैकेट जो इसके चारों तरफ लगाई गई है, तो वो भी गर्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं, जब भी हम किसी कंटेनर के अंदर पानी को गर्म करते हैं, जो वाटर है उसको हीट देते हैं, अगर वाटर को हीट दें तो क्या होगा, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, तो क्या होगा, इस पाइप के थ्रू जाने की कोशिश करेगा और आगे जाएगा, तो पाइप से ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जब भी पानी को हम गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो वही इसके अंदर प्रोसेस यूज़ किया गया है, इसको नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी इंजन ब्लॉक पूरा गर्म होगा, इसके सराउंडिंग का वाटर गर्म हो जाएगा और वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ये होज कनेक्शन लगाई गई है, यहाँ पे ये देखिए, इसको होज कनेक्शंस बोलते हैं, होज कनेक्शन, होज कनेक्शन ये है, ये भी होज है। किसके साथ लगाया गया है, इसको रेडिएटर के साथ, यहाँ पे रेडिएटर है, इसको रेडिएटर बोलते हैं, रेडिएटर। तो रेडिएटर के अंदर क्या होती हैं, इस तरह की पाइप्स होती हैं, इस तरह की पाइप्स होती हैं, इस तरह की पाइप्स होती हैं, और जो फिन से कनेक्टेड होती हैं, दोनों तरफ से फिन से कनेक्टेड होती हैं, जो हमने यहाँ पे दिखाई है, तो इस तरह से दोनों तरफ से फिन से कनेक्टेड है। तो ये हमने समझने के लिए डायग्राम बनाया है। तो इन पाइप्स के अंदर से क्या जाता है, जो वाटर है, हॉट वाटर, और ये फिन्स क्या लेती हैं, जो एयर होती है, जो एटमॉस्फेयर एयर है वो ठंडी इन फिन से लगती हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई गई हैं फिन्स, ये फिन्स हैं, ये फिन्स लगी हैं और इनके बीच में ये जो है, यहाँ से वाटर ट्रैवल होता है। तो जो हॉट वाटर है वो हॉट वाटर है, इस तरह से चलेगा वो हॉट वाटर, इस तरह से इन होज कनेक्शन के थ्रू, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अपटेक हेडर, अपटेक हेडर, और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे डाउन टेक हेडर, डाउन टेक हेडर। तो जो हॉट वाटर है वो यहां से आएगा और वो इन पाइप्स के थ्रू नीचे जाएगा। अब ये पाइप्स हैं, जैसे ही इस तरह से पाइप्स में से जाएगा, तो यहाँ फिन्स कनेक्ट है इन पाइप्स के दोनों तरफ। तो जैसे ही ये हॉट वाटर नीचे की तरफ आएगा, बाहर से जो कूल एयर है, ठंडी एयर है एटमोसफियर से, वो इन फिन से टकराएगी, इन फिन्स से टकराएगी, फिन्स के अंदर जो फिन्स के साथ कनेक्ट है पाइप जिसमें से हॉट वाटर जा रहा है, तो उससे हीट ट्रांसफ़र होगा और जो हॉट वाटर है वो ठंडा हो जाएगा,
और ये जो कोल्ड वाटर है वो हमें नीचे मिलेगा, डाउन टेक जो हेडर है इसके अंदर यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। अब ये कूलिंग वाटर दोबारा से सर्कुलेट करेगा और ये दोबारा से गर्म होगा, और गर्म होके फिर से दोबारा से इसी तरह से रिसर्कुलेट होता रहेगा। जो गर्म पानी है वो यहाँ इन पाइप्स के थ्रू नीचे आता रहेगा और फिन्स के जो एयर कॉन्टैक्ट में आएगी वो उसको ठंडा करती रहेगी, और इस कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन होता रहेगा। उससे क्या होगा, जो इंजन की एफिशिएंसी है या इंजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अगर इंजन ज़्यादा ही गर्म होता है तो यहाँ पे लगा है फैन, ये जो फैन है ज़्यादा ही गर्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और जब ये रोटेट करता है तो बाहर से फोर्सली एयर को अंदर खींचता है। तो जो बाहर से ये फोर्सली एयर को अंदर खींचेगा तो फोर्सली फिन से टकराएगी, तो फिन के साथ ज़्यादा एयर टकराएगी और जो वाटर है हॉट वाटर वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, तो उससे क्या होगा, कूलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है थर्मोसिफोन सिस्टम, एक तरह का नेचुरली कूलिंग वाटर सिस्टम है जो इंजन के अंदर यूज़ किया जाता है। नेचुरली जो वाटर सर्कुलेट करता है, गर्म पानी है उसकी डेंसिटी बढ़ती है, वो सर्कुलेट करता है, वो ठंडा होता है, फिर से सर्कुलेट करता है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये था थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।